नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आज भी आपका स्वागत है। तो चलिए आज का व्लॉग भी शुरू करते हैं। और आज का टॉप कमेंट है ये, इस टॉप कमेंट के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो दोस्तों आज व्लॉग की शुरुआत जो है मैं बगीचे से कर रही हूँ। आप मेरा बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो हम आए हैं बगीचे में, कल हमने बहुत मज़े किए, परसों करवा चौथ था, कल जो है शादी थी, मज़े करके आए हैं हम, अब काम कर लेते हैं। तो बगीचे में आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड ने पूरे बगीचे से सेब उठाकर ढेर लगा दिया था। अब बारी है उन सेबों को काट के छत पे सुखाने की। तो हम दोनों के बस की बात तो है नहीं कि हम दोनों अगर काम करने लगे, काटने लगे, तो हम दोनों को 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है, बहुत ज़्यादा है सेब। तो इसलिए मेरे पूरे परिवार आ गए हैं, ताई जी, चाची, चाची जी नहीं, ताई जी, सासू माँ, चाचू, ताऊ जी, मैं, मेरे हस्बैंड, सभी आए हैं। आज जितना हो सकता है हम काट के रख देंगे, जो थोड़ा बहुत बच जाएगा वो मैं और मेरे हस्बैंड काट देंगे बाद में। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा काम ही है कि जो भी मेरे साथ होता है दिन भर में वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखिए खाना बना रहे हैं आज हस्बैंड, हम लोग सब सेब काटने वाले हैं। क्या बना रहे हो? हाँ, अच्छा, तो मिक्स दाल बना रहे हैं। अच्छे से बनाना। हम लोग जा रहे हैं सेब काटने। दोस्तों सबसे पहले तो ये ढेर देखिए, बहुत ज़्यादा है। इसे बाढ़ा देके हमने यहाँ पे इकट्ठे किया है। तो यहाँ देखिए सब आ गया। ये सो बोल दे। हवा चल पड़ी है। चलो चलो हाथ बोलो, चलो चलो। दोस्तों अभी लंच टाइम हो गया है और मेरे हस्बैंड जो है खाना बना रहे थे, आपने देखा। तो अब हम लोग खाना खा रहे, भूख लगी है तेज, क्योंकि सुबह हमने सिर्फ दो दो पूरियां खाई थी। चलिए खाना खा लेते हैं। गरम हो गया पानी तो ब्लैक ऑयल ना 1600 का मीटर छोटा वाला 10 किलो वाला पड़ेगा तो वही है, छोटा वाला पड़ता है 1000 तक तो पड़ता है। तो दोस्तों हमने खाना खुना खा लिया है, अब फिर से काम शुरू करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज खत्म हो गया ये काम, आज क्या शायद 2 दिन और लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा है। तो हम काम शुरू करते हैं, देखते हैं आज ख़त्म नहीं हुआ तो मैं 2 या 3 दिन के ब्लॉग को इकट्ठे करके तब दिखाऊंगी मैं आपको। तो चलिए काम शुरू करते हैं। ठीक है।
शाम होने लगी है और ये सेब जो है आधा भी खत्म नहीं हुआ है। सुबह 8 बजे से अभी 5:30 हो रहे हम लगे हैं नॉन स्टॉप और ये खत्म नहीं हुआ है। क्या बताऊं मैं आपको, तो कल भी आना होगा, परसों भी आना होगा, पता नहीं क्या करना होगा। लेकिन आज जो है हमारे घर में गेस्ट आए इसलिए हम थोड़ी जल्दी जा रहे हैं। तो चलिए घर चलते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। चलिए टिक्की पे टिक्की दोस्तों। घर पहुंचते पहुंचते जो है रात हो गई, तो आज के व्लॉग को यहीं स्टॉप कर देते हैं। आज का दिन जो है पूरा सेब काटने में बीत गया, कल भी शायद ऐसे ही हो। तो अभी इस व्लॉग को यहीं, इस व्लॉग को नहीं, इस आज के व्लॉग को यहीं स्टॉप करते हैं। कल सुबह से जो व्लॉग बनाऊंगी वो मैं अभी इसी व्लॉग के बाद कंटिन्यू रखूंगी। तो चलिए मैं तो अब रोटी बनाती हूँ, इसके बाद कोई काम नहीं है, आराम करेंगे। कल सुबह जो भी होगा अभी व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तो सी यू सून। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और आपको पता है कि हमारा सेब का काम ख़त्म नहीं हुआ, सेब काटने का काम ख़त्म हुआ नहीं अभी तक। तो हम फिर से बगीचे में आए सेब काटने के लिए, लेकिन अभी जो है इस वक्त हम हैं ऊपर वाले बगीचे में, क्योंकि हमने ऊपर वाले बगीचे का तो अभी सेब उठाया ही नहीं है। तो हम सुबह आए हैं यहाँ सेब उठाने के लिए, उसके बाद हम फिर निचले वाले बगीचे में जाएंगे सेब काटने के लिए। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ ऊपर वाले बगीचे में जो है चाचू ने हाल ही में हमारे छोटे से फार्म हाउस को रिपेयर किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए पहले मैं आपको ये छोटा सा फार्म हाउस दिखाती हूँ, उसके बाद देखते हैं दिन भर क्या होता है। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये है सर्दियों के लिए लकड़ियाँ, तो ये रहा हमारा फार्म हाउस यानी कि दोगरी बगीचे में जो होता है। ये रहा जी, तो अभी बिजली लगना बाकी है, मतलब इलेक्ट्रिक का काम चला हुआ है। ये चलिए अंदर चलते हैं। तो ये देखिए हमारा छोटू सा दोगरी, अभी फर्श भी चाचू ने रिपेयर किया है, दीवारें रिपेयर की, कलर किया है, वायरिंग किया है, तो बहुत कुछ किया है चाचू ने। चाचू का काम सुपर डुपर। तो यहाँ बर्तन रखे है चाचू ने, यहाँ पर बेड लगा दिया है, यहाँ पर सामान है, यहाँ पर बॉक्स है, खजाने का बॉक्स है, ये चाचू का खजाना है, इसे यहाँ पर छुपा के रखा हुआ है चाचू ने। चलिए खोल के देखेंगे कभी जब चाचू हमारे साथ नहीं होंगे। अभी तो चाचू है, ये चाचू ने क्या रखा है, ब्रेड है ये। तो दोस्तों इसमें जो है ना खजाना है, खजाना। तो चलिए अब चलते हैं बगीचे में काम करने के लिए।
यहाँ देखिए चुरकू जला रखा है, तो अब चलना पड़ेगा बगीचे में। बगीचे में जो है सब काम करने लग गए हैं मेरे परिवार। तो यहाँ पता है सेब कम गिरे हैं नीचे के मुकाबले, यहाँ देखिए ज़्यादा नहीं है, बस इतना इतना है। इतना इतना हो तो दुख भी नहीं होता ना, नीचे तो बुरा हाल था। तो चलिए नीचे से शुरू करेंगे, निचले वाले ट्रेस से शुरू करेंगे। कहाँ है वो लोग? अच्छा वहाँ नीचे। जब तक मेरे फैमिली मेंबर पूरे खेत में सेब ना उठा ले तब तक मैंने चाय बनाना है। आइए दोस्तों मैं अब आपको दिखाती हूँ हमारे बगीचे में जो है लोकल सेब के पेड़। तो तीन है लोकल सेब के पेड़, बहुत ही सुंदर सेब है। देखिए देखो जी, तो ये थोड़े खट्टे होते हैं थोड़े मीठे होते हैं, मगर ये बिकते नहीं है, बस ये हमारे लिए हम खाते हैं इसे। पता नहीं मार्केट में इसका वैल्यू नहीं है, वो क्यों नहीं है ये भी नहीं पता मुझे। खैर देखिए बहुत सुंदर है, कलर टेस्ट सब अच्छा है इसका। दोस्तों हमने जो है ऊपर वाले बगीचे में भी सेब उठा के ख़त्म कर दिया है, डेढ़ दो घंटे लग गए, यहाँ भी काफ़ी है ट्रेस हमारे, तो अब थक भी गए हैं। अब चलते हैं निचले वाले बगीचे में, जब काम होता है ना तो बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से।
राइट में तो होता नहीं। फाइनली हमारे सेब का काम ख़त्म हुआ। ये देखिए कितना सारा काट दिया हमने दो दिन में। 5 जनों ने, मेरी सासू माँ, ताई जी, चाचू, मेरे हस्बैंड, मैं, तो हमारा सेब का काम ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये 4 कमरों का छत है, ये तो ये छत भर गया है। उसके बाद हमने यहाँ देखिए ओ पार वहाँ खेत में भी सुखा के रख दिया। जगह नहीं होने के कारण हमने यहाँ भी सुखा दिया। अब सूखने पर बोरियों में भर के ले जाना भी है। तो ये 2 कमरे की छत के बराबर हमने यहाँ सुखाया है और बाकी वहाँ देखिए वो 4 कमरों का छत है। हालत ख़राब हो गई। चलो काम निपट गया। दोस्तों आपने देखा कि हमारा काम ख़त्म हो गया सेब काटने का, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। जब ये सूख जाएगा तो इसे बोरियों में भर के घर भी ले जाना पड़ेगा। अभी तो सेब का काम बाकी ही है, समझ लीजिए। तो शुक्र है काटने का काम ख़त्म हो गया। आपने देखा बहुत ज़्यादा था, 2 दिन लग गए भाई। तो अब जा रहे हैं हम घर की ओर, तो चलिए घर चलते हैं। दोस्तों घर आते जो है नहा धोकर अब रोटी बनाना शुरू कर दिया मैंने। आपको पता मेरा काम है रोटी बनाना। सब्जी जो है मेरे ससुर जी या सास बना देते हैं, वो कुकिंग करना पसंद करते हैं इसलिए बना देते हैं। तो बस रोटी बनाना है, रोटी थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ता है। शाम को चावल नहीं खाते हैं। और आपने नोट किया होगा हमने जो है गैस चूल्हा बदल दिया है, पर्पल सा है, इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा। जब नया किचन बनेगा तब थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एक बार मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर थोड़ी देर और कंटिन्यू रखते हैं। सबसे तो सेब काटने का काम खत्म हो गया, सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो गया। परेशान हो गए थे सेब काटते काटते ना। इस साल हमारा ड्रॉप भी बहुत ज्यादा हुआ था, सेब बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हुआ था। ऊपर वाले खेत में तो नहीं था इतना ड्रॉप हुआ, पर नीचे वाले खेत में काफी था। तो चलो खैर खत्म हो गया काम, कल से देखते क्या कर पाते हैं। तो फिलहाल तो रोटी बना लेते हैं।
दोस्तों खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अब सोने जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड गए हैं पड़ोस में एक अपने पता नहीं किस काम से गए होंगे पता नहीं, जाने दो। फिर अब मैं आराम करने वाली हूँ, मैं बहुत थक गई। मैं ही क्या, पूरे परिवार हम सब थक गए। तो इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आज लाइट ने बहुत परेशान किया, दिन से लाइट नहीं है, अभी भी आ रही जा रही। देखिए अभी आई ना लाइट, अब फिर जाएगी। तो लाइट की वजह से बहुत परेशानी हुई है आज। खैर उम्मीद है आपको ये दो दिन का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, देखते हैं कल क्या होता है। कल की बात तो कुछ दिन काम नहीं है बगीचे में, तो चलेंगे कहीं शादी में। जब घर में काम नहीं है तो फिर शादी जाना है और क्या, यही काम है इस महीने, इस दो महीने, अक्टूबर एंड नवंबर। तो चलिए अब ब्लॉग को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हम अपना ख्याल रखते हैं। बाय।